हेलो फ्रेंड्स, सुशोभिता की किचन में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए एक अलग तरह की वीडियो। इसमें हम लाए हैं आपके लिए थोड़ा सा किचन से ही आप अपनी ब्यूटी टिप लें और अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी सुंदरता का भी ध्यान रखें। तो ये हम लाए हैं आपके लिए, एलोवेरा का जेल बनाया है हमने, और ये हमने घर पे ही बनाया है। उसको हम अच्छी दिखाते हैं, आप देखिए कितना अच्छा बना है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए है, आपको हमारी वीडियो, तो आप इसको एक बार बनाइएगा ज़रूर, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने जो बनाया तो आपको कैसा लगा। और जेल को आप जब इस्तेमाल करेंगी तो आप इतना खुश हो जाएंगी, आप कहेंगी वाह मैम क्या बताया आपने, हम बाज़ार से इतना महंगा जेल लाते थे, ये तो हमने घर पे ही ज़रा देर में बना लिया। 10-15 मिनट लगते हैं इसमें, बस कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है बनाने में। अच्छा, आप शुरू करने की को चलते हैं। उससे पहले मैं ये आपको एक बार और ये बोल दूं कि आप कोई ना कोई कमेंट ज़रूर किया कीजिए, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, हमने 3 पीस हमने एलोवेरा के काट कर रख लिए थे और इनको उल्टा करके रख दिया था। तो कटोरी में जो हमने आपको दिखाया, ये पीले पीले कलर का पानी इसमें निकल गया, ये इसका जहर सा होता है। और उसके बाद में इसको अब हम इस तरह से काट लेंगे, चारों तरफ से पहले दोनों साइड से काट लेते हैं और फिर बीच में से ऊपर का इसका छिलका उतारेंगे। और फिर चाकू की मदद से, आप चाहो तो चाकू से कर सकते हो, वरना छीलने के बाद में चम्मच भी ले सकते हो, और उससे फिर सारा इस तरह से काट करके सारा इसका गूदा, अंदर जो भी जेल भरा हुआ है उसको निकाल लेना। ऐसे किसी कटोरी में या प्लेट में, या आप हमने सीधे ग्राइंडर में ही रख दिया है उतार के, किसी में भी आप रख लीजिए। और ये जो जेल होता है एलोवेरा का, ये चेहरे को में इतनी चमक ला देता है कि इसको आप बना के चाहे बाथरूम में भी रख सकते हैं, किसी क्रीम की शीशी में, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, आप किसी में भी करके रख सकते हैं। ये देखिए, बड़े बड़े पीस ऐसे ही उतर गए हैं और बड़े छोटे हमने सब उतार लिए हैं। एलोवेरा तो आजकल सभी यूज करते हैं, सबके घरों में ही होता है। और इस तरह से हमने तीनों उसका अच्छी तरह से कर लिया। अब इसको हम, इसमें कोई कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई पानी डालना है आपको, ना कुछ करना है, बस इनका अच्छी तरह से छील के और फिर अपने ग्राइंडर में इसको पीस लेना है। और अभी हम दिखाते हैं, ये देखिए ग्राइंडर में पिस गया है। अब ये थोड़ा सा कलर चेंज सा लग रहा है आपको, लेकिन थोड़ी देर बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। और इसको छलनी में हम चम्मच की मदद से छान लेते हैं, और जो ऊपर थोड़ा सा रह गया है इसको आप निकाल के अलग गुदे को रख लेते हैं। इसको आप अलग यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं आप, इसको अलग आप 1-2 दिन यूज़ कर लें। और ये जो नीचे का छना हुआ है इसको आप आराम से, ये देखिए 3 हमने आपके सामने बड़ी बड़ी वो ली थी जिसमें हमारा इतना सारा बन गया है। अब इसको आराम से किसी भी एयर टाइट उसमें, कांच के उसमें आप रख सकते हैं, किसी में भी आपको जो आपके पास घर में उपलब्ध हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए, हमने इसमें सारा पलट लिया है और ये हम दिखा रहे हैं, ये हमने अलग रख लिया है। उसमें थोड़ा सा आप मक्का का आटा या बेसन मिला के आप उसको स्क्रब मिला के लगा सकती हैं। और इसको इस तरह से रख के हम रख देंगे, इसमें आराम से आप जब नहाने जाएं थोड़ा सा आधा चम्मच लें, चेहरे पर लगाएं और नहा लें, आपके चेहरे पर भी और हाथों पर भी ऐसी चमक आएगी कि आपको सारा स्किन, डेड स्किन भी साफ़ हो जाएगी और आपका चेहरा, ना आपको किसी फेशियल की ज़रूरत है ना ही कुछ, और बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, आप चलते हैं, थैंक यू।